दिस वॉज वन ऑफ देम। रिक्वेस्ट पूरी कर दें ताकि यूएसए में बैठ के खुश हो जाए। माया तेरे प्यार मैनू मार मुकायाई, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकायाई, चंगा में तू मिठा मिठा रोग मैनू लायाई, चंगा भी तू मिठा मिठा रोग मैनू लायाई, देने तड़ पाया सारी रात जगायाई, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकायाई। बहुत आला जी, अल्लाह आपको जिंदगी दे। मुझे मेरा दिल करता है इनके घर में कोई नौकरी कर लूं ताकि ये गाती रहे चुप करके सुनती रहे। आई सर आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स। अमानत आपकी जो एक फरमाइश थी मितवा। वेल मितवा और ऐसे गाने तो चलते रहते हैं जी, हर जगह पे चलते। मैं आज चाह रहा हूँ कि क्लासिकल थीम है तो गजलें गाने का मौका नहीं मिलता, तो मैं मोहसिन साहिब की सुना रहा हूँ। जी जी जरूर जरूर, जो मेरी फेवरेट है ऑल टाइम फेवरेट। आप साथ बैठी हुई है तो आप मोहसिन फरिया जी के बाद मेरा गाना बनता नहीं। नहीं नहीं बहुत अच्छा होगा, खुद आप ही बहुत अच्छा। फरिया जी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि सिंगर्स तो बहुत होते हैं, सीखे होते हैं, गाना सीखना की और बात होती है, मगर अल्लाह अल्लाह की तरफ से एक ब्लेस्ड एक चीज होती है। वो इनके पास है, इनकी माशाल्लाह वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो कि शी इज वेरी ब्लेस्ड माशाल्लाह जी। ये मोहसिन साहब की गजल है जी जी। धने ने सारे मदने दा ने दा मारे ने रे सदा ने दा मारे सा कट ही गए जुदाई भी, कट ही गई जुदाई भी, कब ये हुआ के मर गए तेरे भी दिन गुजर गए, तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए, कट ही गई जुदाई, राहों में ही मिले थे हम, राहें नसीब हो गई, राहों में ही मिले थे हम, राहें नसीब हो गई, तू भी ना अपने घर गया, तू भी अपने घर गया, हम भी ना अपने घर गए, क्या बात, कट ही गए जुदा। वेरी नाइस। अब जी पहले मैंने उनको चॉकलेट दी थी, अब ये नजर कर रहे कुछ ना कुछ चल रहा है साथ साथ, ये सारी चीजें मुझे लगता है मानव के साथ मैं सब लेके जाऊंगा साथ अपने। जितना बड़ा और जितना कॉम्प्लिकेटेड गाना उतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें। अच्छा प्रिया जी, मैं आपसे पहले पूछूंगी, इन्होंने माशाल्लाह कंपटीशन में गए, मैं प्रिया जी से पिछले पूछ रही थी कि सब जाते हैं जी, इन्होंने तो माशाल्लाह एक कंपटीशन में गए और देन, लेकिन सबका यहाँ होता है कि यहाँ से इंडिया जाके एक जरूर गाना है उसके बाद यू गेट पॉपुलर, बट यू गॉट माशाल्लाह सो मच पॉपुलरिटी है, आप इंडिया क्यों नहीं गए? नूर मेरा सच, एक तो खैर सीधी सी बात है कि मैंने ट्राई नहीं किया। सबसे पहले ये होता है कि आपको कोई किसी चीज़ की जस्तजू जब होती है तो आपको उसके लिए जाना पड़ता है, आपको उसके लिए हासिल करना पड़ता है। मैंने कभी सोचा नहीं इस तरफ कि मुझे ये करना चाहिए,
पता नहीं अब ये गलती है या क्या है, मगर माशाल्लाह मैं जब से गाना शुरू मैंने किया है हर तरह का जॉनर मैंने कवर किया है। बिल्कुल पॉप मैंने गाया, मैंने उसके बाद गजल भी गाई है, मेरी पहली एल्बम से ही ये सब चीज़ें मैंने अपने एल्बम में शामिल की, वेस्टर्न किस्म की एक्टिविटीज़ जो करनी थी वो भी की, मगर उसके बाद अचानक एक दिन शफकत अमानत का फ़ोन आया मुझे कि आपको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ और आप मेरा ख्याल ज़रूर जाए इंडिया और पाकिस्तान बेस्ड एक पीस पे कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे किसी वहाँ के आर्टिस्ट के साथ आपका इंटरव्यू होगा। आई नेवर न्यू कि क्या होगा, उन्होंने भेजा रेडियो मिर्ची की तरफ से, मैं वहाँ गई और वहाँ पे अचानक मुझे फ़ोन पे पता चलता है कि मैं कहा जी मेरे साथ कौन है इंटरव्यू में दूसरी साइड पे, तो उन्होंने कहा कि शान जो बैकग्राउंड वोकलिस्ट है वहाँ के, और मैं लिटरली मतलब वो प्रैक्टिकली नहीं हुआ कि मेरा सर जाके छत पे लगा और वापस आ गया, बिकॉज आई एम इन लव विद शान फ्रॉम द डे वन, मुझे वो बहुत पसंद है उसकी टोन, और जब वो स्टूडियो में दाखिल हुए तो मुझे यकीन नहीं आता कि एक इतना बड़ा आर्टिस्ट इतना झुका हुआ और इस तरह का कि वाकई कहते हैं झुके हुए पेड़ को फल लगता है या फिर लगता है तो फिर वो झुक जाता है, मगर वो इंसान जो था वो उस दिन राखी का दिन था, शुक्र है मेरे से राखी नहीं बनवाई मगर ही वॉज वेयरिंग सफ़ेद पाजामा और कुर्ता और तिलक का लाल रंग का लगाया हुआ था उफ, और मेरे साथ मेरे ख्याल चार पाँच घंटे का इंटरव्यू था, मगर उन्होंने मुझे फाइनली ये कहा कि आपने तो फरिया जी मुझे यू नो पता नहीं क्या 305 नॉट कर दिया आपने, मुझे आपने मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया, आप माशाल्लाह लाइव इतना अच्छा गाती हैं, तो ये ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं और यही मैं याद रखती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, और अभी तक लिटरली अभी तक ऐसी कोई फीलिंग नहीं है कि हाँ ये ज़रूर है, इट शुड बी इन माय यू नो बायो डाटा, ये होना जरूरी है कि आप एक दफ़ा ज़रूर जाऊँ कभी इंशाल्लाह, अल्लाह ने मौका दिया और फरिया परवेज़ के तौर पर और एक पाकिस्तानी के तौर पर जाऊँगी तो मुझे बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, अच्छा मैं आप दोनों से ही सवाल करूँगी, इनफैक्ट अमानत आप माशाल्लाह वेरी गुड लुकिंग एंड अभी जैसे सारे सिंगर्स अली ज़फ़र इज़ वर्किंग इंडियन मूवी और आतिफ असलम की फिल्म आ रही है बोल, आप को फिल्म की ऑफर आई या फिर नहीं करना चाहते या ऐसा कुछ? जी आप यकीन नहीं मानेंगे बिकॉज सारे गाँव का जिसमें मैं था वो टीआरपी वाइज और मतलब पॉपुलैरिटी वाइज उस साल का सबसे मतलब एक नंबर वन शो था वो। अच्छा वो सारे गाँव बिकॉज वो वर्ल्ड वाइड बहुत फॉलो नहीं जो मेरे वाला जो सीजन था। अच्छा राइट और उसके बाद मुझे बहुत सी ऑफर्स आई, मतलब ऐसी ऐसी ऑफर्स भी थी कि जो मेरे बचपन से ख्वाब थे और वो जो ख्वाब भी नहीं थे, मतलब इम्पॉसिबल चीज़ें मेरे लिए थी, मुझे लगनी थी काफ़ी रियलिटी शोज़ की होस्टिंग ऑफर और एक्टिंग और सिंगिंग सब, मगर मेरे साथ एक मसला ये हुआ था कि मेरा उस चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा अच्छा और कुछ नहीं कर सके पाँच साल के लिए फिर उसके बाद सारे लिख देती थी साल वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करवाए उन्होंने, हम सो रहे होते थे और जो कोऑर्डिनेटर्स थे वो आते थे जी साइन कर दें, हम बच्चे थे हम मतलब काफी अनप्रोफेशनल थे। कब से कब किया था ये? 2007 में किया था। आई एम सॉरी मुझे आपकी बात काटनी पड़ी है, बार बार ब्रेक का नोटिस आ गया जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ये बात कंटिन्यू करेंगे, आप कहीं मैं जाएगा इसी बात पर। हम टीवी लाया है आपके लिए एक सुरीला हफ्ता मॉर्निंग विद हम और हम दो हमारा शो पर हो रहा है म्यूजिकल हंगामा, रैप, हैवी मेटल, क्लासिकल, पॉप, जैज, कव्वाली और भंगड़ा, सब कुछ होगा, देखना ना भूलिएगा सुर ताल का धमाल इस पूरे हफ्ते रोजाना।
बल माके मन में लागी लगन, बल माके मन में लागी लगन, बल माके मन में भूलत ना पिया जाऊं मैं तो वारी, लागी लगन बल माके। लगन बल माके मन में भूलत ना पिया जाऊं मैं तो वारी, लागी लगन बल माके मन में, लागी लगन बल माके मन में। मैं तो एक अजीब महफ सी हो गई हूँ बांसुरी में। आप ये देखें कि ये जी सुल्तनैन साहब हैं और इनके साथ हैं शाहिद, दोनों भाई हैं। और आपने शाहिद को तो सुना होगा, छोटे उस्ताद में इन्होंने बड़ी अपनी आवाज़ के झंडे गाड़े हिंदुस्तान में जाके। और साथ इनके भाई को मैंने पहली दफ़ा सुना है और बहुत खूबसूरत आपने बांसुरी बजाई है। और अगर आपको याद हो तो हील जो है ना वो बांसुरी सुन के मगन हो गई थी। तो एक बांसुरी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको कुछ कहीं मतलब मस्त कर देता है, अजीब सी एक एहसास आपको अंदर से एहसास है ना।